तो मधुबनी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद एनडीए पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दो चरणों में 190 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें जनता का निर्णय इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, जिसे लेकर एनडीए बौखला गई है। चुनाव में जो सरकार को या नरेंद्र मोदी जी को जो अपेक्षाएं थी, उनके विपरीत उनकी रिपोर्ट है। सरकार जब उन्हें गौर कीजिए, आप 20 तारीख को पहले राउंड का चुनाव हुआ, रात तक बोले बोले की खबर आती रही, पर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को उनकी जो एजेंसियां हैं सरकारी, उन्होंने 20 तारीख को ये कन्फर्म कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन हार रहा है चुनाव। और ये संयोग नहीं लगता है कि 20 को वो कन्फर्म हुए हैं कि हम हार रहे हैं, 21 को अपने पहले भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नकाब खींच के फेंक दिया और हिंदू मुस्लिम की व्याख्या करने लगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा चुनाव में। तो पटना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि भाजपा ओबीसी आरक्षण में किसी प्रकार के धार्मिक आरक्षण का विरोध करती है। निखिल आनंद ने कहा कि देश के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी और ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए संविधान प्रदत्त आरक्षण के मौजूदा प्रावधान को लागू करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज के वंचित शोषित गरीब ओबीसी अति पिछड़े समाज के का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस वर्ग से आते हैं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सभी के वंचित शोषित तबके से निकला हुआ शख्स आज देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज है, जिसने भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया। और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपको याद होगा कि अलका लांबा तो बहुत कांग्रेस की राजनीति में किस पायदान पर हायरार्की सिस्टम में है, उनकी शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी ने कभी उनको खून का सौदागर और मौत का सौदागर कहा था। और मनीष शंकर अय्यर ने क्या कहा, सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, ये सबको पता है। और समाज के जो दलित पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जब शीर्ष पदों पर पहुंचते हैं तो जो एलीट साइकिया है वो बार बार इस तरह से प्रॉम्प्ट करता है कि उनको डेमोरलाइज करने के लिए, उनके मान सम्मान को घटाने के लिए इस तरीके की घटिया शब्दों से उनको संबोधित करने का काम करती है। पिछड़ा अति पिछड़ा समाज देश का देख रहा है और इसका जवाब कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस को हम देंगे। देखिए, तो वहीं गया जिले के टिकारी रोड स्थित तैलिक भवन में भामाशाह का जयंती धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में प्रत्येक प्रखंड से आए सभी प्रबुद्ध नागरिकों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर तैलिक साहू सभा के जिलाध्यक्ष संजू लाल ने कहा कि हम लोगों को भामाशाह के जीवनी से सीख लेने की जरूरत है और उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम लोग अपने जीवन को सफल बना सके। गर्मी होने के बावजूद भी कई प्रखंडों से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और भामाशाह के प्रति जो इन्होंने अपना योगदान दे रहे हैं इस जयंती में शामिल होकर के इस गर्मी में, यही इनका बहुत बड़ा योगदान है। और चुनाव और गर्मी का लगन इतना व्यस्त था कार्यक्रम, जिसके चलते समाज के लोगों ने, पदाधिकारियों ने तय किया कि यह कार्यक्रम छुट्टी के दिन संडे को किया जाएगी, जिसमें समाज के भी लोग को सहूलियत होगा और थोड़ा दुकानदारी बंद रहता था, ग्रामीण देहात जो प्रखंड के लोग आते हैं गाड़ी घोड़ा लगाने का सहूलियत होता है। इसके लिए जयंती आज गया जिला के तैलिक भवन में, आज गया जिला के बैनर तले भामाशाह की जयंती आयोजित की गई है। यहाँ अटेकारी से, अत्री से, गुरारू से, गुरुआ से, वजीरगंज से, बहुत सारी जगह से आए हुए हैं, पूरा गया से भी। गर्मी होने के बावजूद